बॉक्स ऑफिस का बुरा दौर इस समय चल रहा है। साल के शुरुआत में कुत्ते रिलीज हुई थी, 80 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई मूवी ने मात्र 4.5 करोड़ रुपए कमाए। ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि इस साल में PVR INOX जो है वो कुल मिलाकर 50 ऐसे थिएटर्स को बंद करने वाला है जो कि अंडर परफॉर्मिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम 2022 की बात करें तो इनको टोटल घाटा करीब 170 करोड़ का हुआ था और इस साल वही घाटा अब तक बढ़कर करीब 333 करोड़ रुपए का हो चुका है। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए कंगना ने कहा कि भाई जिस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं ये भारतीय सिनेमा के लिए ख़राब है, लेकिन एक बड़ा कारण जो इसका निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि मिडिल क्लास फैमिली जो कि थिएटर्स में सबसे ज़्यादा मूवी देखने के लिए जाती है उनके लिए मल्टीप्लेक्स जाकर मूवी देखना काफ़ी महंगा हो चुका है। अगर हम लोग एवरेज टिकटिंग प्राइस की ही बात करें तो टिकट प्राइस आज की तारीख में कम से कम 200-250 का हो चुका है। मतलब अगर 4 लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं तो 1000 रुपये की टिकट हो गई और फिर पॉपकॉर्न वगैरह का जो कॉम्बो आप लोगे 4 लोगों के हिसाब से वही आएगा 1000 रुपये का। 2000 रुपये एक मूवी पर खर्च करना मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में OTT अब झंडे गाड़ रहा है।